तो दोस्तों आज हमारा आ गया है Vivo V17 Pro वर्सेस OnePlus 7T का कैमरा कंपैरिजन। जी हाँ, कैमरा कंपैरिजन जो कि काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि प्लीज़ इसका लेके आइए। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं दोनों का साइड बाय साइड कैमरा कंपैरिजन, सेल्फी मोड भी और बैक कैमरा भी और विद वीडियो सैम्पल्स के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं OnePlus 7T वर्सेस Vivo V17 Pro कैमरा कंपैरिजन। Hello friends, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel for latest updates and don't forget to press the bell icon. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों के येलो शॉट्स की। जी हाँ, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। OnePlus 7T मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे दिख रहा है डायनेमिक रेंज के मामले में। तो नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन शॉट्स की, आप लोग देख सकते हैं दोनों में क्लियर डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आउटपुट्स आ रहे हैं OnePlus 7T के। दोस्तों वाइट कलर में मैं अगर बात करूं तो वाइट कलर में भी अगेन वाइटनेस जो ज़्यादा दिख रही है वो मुझे OnePlus 7T में दिख रही है देन टू Vivo V17 Pro में। नेक्स्ट जो हमारे शॉट हैं वो हमने काफ़ी सारे रैंडम शॉट्स लिए हैं अलग अलग एरिया में, वो भी अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में। आप देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन से फ़ोन के शॉट्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं रैंडम शॉट्स के बाद सेल्फी मोड की, और आप देख सकते हैं Vivo V17 Pro काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है OnePlus 7T से, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आउटपुट आ रहा है Vivo V17 Pro के अंदर सेल्फी शॉट्स के अंदर। जब मैं बात करता हूँ ग्रुप सेल्फी पोर्ट्रेट में, वहाँ फेल हो जाता है Vivo V17 Pro, हमेशा की तरह Vivo फेल होता है। और मैं बात करता हूँ मैक्रो शॉट्स की, दोस्तों Vivo V17 Pro के अंदर मैक्रो शॉट्स टोटली फ्लॉप हैं। OnePlus 7T काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है उस चीज़ में। और अगर मैं बात करूं रेड कलर कंपैरिजन के अंदर तो दोनों ही फ़ोन के ऑलमोस्ट सिमिलर कलर्स आए हैं, बट कहीं ना कहीं OnePlus 7T का डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई दिखा है, सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई दिखी है देन टू Vivo V17 Pro। दोस्तों अगर बात करें हम लोग टेलीफोटो लेंस की तो आप देख सकते हैं ये है 1x जूम, ये है आपका 2x जूम और अब आप देखेंगे 10x जूम के अंदर। तो दोस्तों आप जब 10x जूम के अंदर देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं Vivo V17 Pro का जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। दोस्तों ये जो फोटोज़ हैं हमने बैक कैमरा से लिए हैं और बिल्कुल नॉर्मल शॉट लिया है विदाउट HDR, ये मैंने लिया है पोर्ट्रेट मोड में। और आप देख सकते हैं OnePlus 7T के अंदर थोड़ी जूम्ड इन फोटो आई है। अगर मैं बात करूं दोनों के फ़ोनों में HDR शॉट में तो OnePlus 7T कहीं ना कहीं जीत रहा है। दोस्तों अब मैंने क्या किया, मैंने एक्सपोजर टेस्ट किया, दोनों को सन फेसिंग करा, सन काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और तब भी आप देख सकते हैं क्लियरली सन दिख रहा है और इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपोजर को मेनटेन किया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ नाइट मोड की तो नाइट मोड में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे लगे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा Vivo V17 Pro इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं कर पा रहा है जितना OnePlus 7T कर पाता है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं Vivo V17 Pro के अंदर जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं नाइट मोड के अंदर भी। तो अब बात करते हैं वीडियो आउटपुट की। फ्रेंड्स हम OnePlus 7T और Vivo V17 Pro में वीडियो कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको एक बात बता दें कि OnePlus 7T में हमने सुपर स्टेबल मोड ऑन किया हुआ है, तो आप अब कंपेयर कीजिए किस में इमेज स्टेबलाइजेशन आपको बेटर दिख रही है और वॉइस कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो OnePlus 7T से आ रही है और अब जो आपको आवाज़ आ रही है वो Vivo V17 Pro से आ रही है। तो दोस्तों आ गए हम लोग सेल्फी मोड में और आप लोग देख सकते हैं कैसी वीडियो आउटपुट आ रहा है दोनों ही फ़ोनों में। आप लोग ये भी देख पाएंगे मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ और ग्रास एरिया में चल रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ हिल नहीं रहा होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे OnePlus 7T काफ़ी अच्छा लगा है वीडियो के मामले में और कैमरा के मामले में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ टाइमली देख पाएँ।